उसे सस्पेंड किया जाए और आज गहन चर्चा हो मणिपुर के विषय पे, उसे बर्खास्त किया जाए, उन्हें कोई अधिकार नहीं है सरकार में रहने का और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। देखिए आज मैंने भी राज्यसभा के भीतर रूल 267 का नोटिस दिया है और उस नोटिस में ये कहा है कि आज की सदन की जो लिस्टेड कार्रवाई है, जो लिस्टेड बिजनेस है, उसे सस्पेंड किया जाए और आज गहन चर्चा हो मणिपुर के विषय पे। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, हमारा बहुत ही प्यारा राज्य है और उसके अंदर जो दरिंदगी और हैवानियत की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे पूरे हिंदुस्तान का मैं कहूं दिल दहल गया है, हमारी सबकी कलेक्टिव कॉन्शियंस और आत्मा झंझोड़ी गई है। और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं केंद्र सरकार से कि नींद से जागे और इस विषय पे चर्चा कराए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस बयान पे जो उन्होंने मणिपुर के संदर्भ में 25 फरवरी 2017 को दिया था ट्वीट करके, उन्होंने खुद कहा था उस समय वहां पर कुछ वारदात हुई थी, उसके संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, दोज हु कैनॉट एंश्योर पीस इन द स्टेट हैव नो राइट टू गवर्न मणिपुर, सेज प्राइम मिनिस्टर। ये 1:08 दोपहर के समय 25 फरवरी 2017 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद ये बात कही थी, देशवासियों के सामने रखी थी। मैं इसी प्रधानमंत्री जी के बयान का उन्हें आह्वान देते हुए कहना चाहूंगा कि सदन के भीतर आए, इस पर बयान दे और चर्चा कराएं। पूरा देश आज जानना चाहता है कि मणिपुर में हो क्या रहा है, मणिपुर जैसे जल रहा है उसके लिए सरकार ने क्या किया है, क्या कदम उठाए हैं, क्योंकि वहां राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मणिपुर में केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं। जल्द से जल्द एक डिसक्रेडिटेड सरकार जो है बीजेपी की राज्य में, उसे बर्खास्त किया जाए, उन्हें कोई अधिकार नहीं है सरकार में रहने का और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। कि जहां जहां भी ऐसी वारदातें हुई हैं, उन सारी वारदातों का हम खंडन करते हैं, निंदा करते हैं और सारी बातों पे चर्चा हो, कोई चर्चा से भाग थोड़ी रहा है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती है चर्चा कराने की। कि ये सारे वो रूल 267 की बहस है जो इस सदन के भीतर हुई, हमारे नोटिसेस न जाने क्यों अभी ये सरकार स्वीकारती ही नहीं है। आज तो स्थिति 2017 के मुकाबले कहीं ज्यादा गंभीर है।